Good morning, student. This is our chapter number 21 and our subject is social study, chapter number 21, environmental pollution. In our previous class, we have discussed about the pollution and the first most pollution, that is air pollution. So I hope that you all understand what is air pollution, kya uske causes hain aur kis tarike se usko kam kiya ja sakta hai. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? तो वाटर पॉल्यूशन मींस द एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज. पानी की वाटर बॉडीज में, जैसे कि नदी है, समुद्र है, ओशियंस वगैरह, रिवर्स वगैरह, लेक्स में क्या करा जाए, अनवांटेड या हार्मफुल केमिकल्स को हम उसमें ऐड कर दें. सच पॉल्यूशन कैन अकर इन फ्रेश, सॉल्टी एज वेल एज ग्राउंड वाटर. ये पॉल्यूशन जो होता है वो हमारे साफ पानी में, सॉल्टी में और ग्राउंड वाटर में होता है. कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या कारण है वो वाटर पॉल्यूशन के. डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट इन वाटर बॉडी. हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज का और घर का वेस्ट हम वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं. बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज. रिवर के किनारे बैठ के हम नहा रहे हैं, वॉश क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धो रहे हैं और क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन को साफ कर रहे हैं वाटर बॉडीज में. तो ये क्या है, वाटर पॉल्यूशन का एक कॉज है. ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स. अब ऑयल टैंकर्स में से ऑयल लीक करके वाटर बॉडीज में किसी भी तरीके से पहुँच जाए तो भी वाटर पॉल्यूट हो रहा है. एनिमल वेस्ट विच एंटर इन वाटर. और एनिमल्स का वेस्ट भी अगर वाटर में पड़ रहा है तो क्या है वो, वाटर पॉल्यूशन का कॉज. इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंसेप्शन. क्या हो जाता है, वाटर ह्यूमन कंसेप्शन के लिए क्या हुआ, अनफिट हो जाता है, फिट नहीं रहता. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर डाई. प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो मरने लगते हैं, वो मर जाते हैं. कंजप्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड एंड गैस्ट्राइटिस्ट. सो ये कंजप्शन जो है वाटर पॉल्यूशन, वो काफ़ी सारी बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे कि जॉन्डिस है, टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी इसी की वजह से होता है. प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या है प्रिवेंशन, किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है. पीपल शुड बी एनकरेज टू ट्रीट द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग देम. पीपल को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि जो घर का पानी है या फिर इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करें, लाइक उसकी जो हार्मफुल थिंग हैं उसको वाटर बॉडीज में लाइक रिवर्स वगैरह में ना ही डाला जाए. बिफोर उसको डालने से पहले उसकी हार्मफुल थिंग्स को निकाल दिया जाए. बाथिंग ऑफ पीपल एंड एनिमल इन द वाटर बॉडी शुड बी स्टॉप. लोगों का नहाना और एनिमल्स का नहाना वाटर बॉडीज में रोका जाए, शुड बी स्टॉप. क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर बॉडीज शुड बी स्टॉप. बर्तनों का धोना और कपड़ों का धोना रिवर्स वगैरह के किनारे, लेक्स वगैरह में शुड बी स्टॉप, बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए. It should be ensured that ships or motorized boat do not discharge any harmful substance in the sea and the ocean. और इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए, ships हैं या motorized boats हैं वो अपना harmful substance sea में या ocean में नहीं गिराएं, नहीं throw करें, इससे हम water pollution होने से बचा सकते हैं. People should use water filters or consume boiled water. लोगों को क्या use करना चाहिए, water filter use करना चाहिए और boiled water को consume करना चाहिए, boiled water को पीना चाहिए, इससे water pollution बच सकता है. So student, that's all from today's class. Water pollution हमने पढ़ लिया है. Next class में हम noise pollution पढ़ेंगे. उससे पहले, पढ़ने से पहले एक बार उसको revise करिएगा, read करिएगा,
जिससे कि आप आसानी से समझ पाए. टिल देन टेक केयर, रीड द चैप्टर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू.